अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल फैक्ट्स एक्सप्लोरिंग विद सायरा। तो आज मैं लेके चलूँगी आपको सुपर स्पेस मिलानियम। मिलानियम मॉल के अंदर ही है, सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे सुपर स्पेस इंडोर थीम गेम्स। अच्छा, यहाँ की एंट्री जो है वो 50 रुपीज़ पर पर्सन है, और ये लाइटों का बेहतरीन इस्तेमाल आप चेक कर लें। और लेकिन यहाँ पर पिक्चर्स बड़ी अच्छी आती हैं। राइट हैंड साइड की तरफ जो है ये एक टिपिकल कार्ट थी, जिसमें रिफ़्रेशमेंट्स थी, स्नैक्स थे, पानी वगैरह भी अवेलेबल था, अगर आप ख़रीदना चाहें तो ऐसे ले लें। और उसके बिल्कुल बराबर में ही जो है वो टिकट काउंटर था, तो वहाँ पे सारी राइड्स जो है वो मेंशन थी, लेकिन मैं उसकी पिक्चर लेना भूल गई। एनीवेज हमने ये कार्ड देख लिया, रिस्टबैंड लिया था वहाँ से 500 वाला, और दो रिस्टबैंड थे। साथ में ही जो है वो स्पेशल किस्म के सॉक्स मिलते हैं बाउंसिंग कासल के लिए, क्योंकि वो उसमें थोड़ी सी स्लिपरी होती है सरफेस, तो ये जो सॉक्स हैं ये हेल्प करते हैं आपको फिसलने से बचाने के लिए। तो दो पेयर हमने ख़रीदे थे 50 रुपीज़ के, और दो पेयर सॉरी 100 के थे, 50 रुपीज़ का पर पेयर था। और जो शू रैक है जहाँ पे आप अपने शूज़ रखें, तो वो भी काफ़ी था। हम लोग तो वीकडेज़ में गए थे तो इसलिए इतने ज़्यादा लोग नहीं थे, तो शू रैक्स भी खाली थे। होप के वीकेंड पे यहाँ पे भरा हुआ होता होगा। तो सबसे पहले सॉफ्ट प्ले एरिया था, यहाँ पे 5-6 तरह के क्लाइंबर्स थे, और ये सेकेंड नंबर पर जो है वो मुर्सा चढ़ रहे थे। नीचे जो है वो कलरफुल वेरी सॉफ्ट क्यूब से फोम के, और आप नीचे गिरे बिल्कुल रिलैक्स होके, कुछ नहीं होने वाला है, बहुत मज़ा आता है बच्चों को यहाँ पे। तो ये सेकंड जो क्लाइंबर था ये काफ़ी टफ था, मुर्सा ने ट्राई किया लेकिन चढ़ नहीं सके ऊपर। खैर, फिर उसे छोड़ के ये जो स्क्वायर शेप क्लाइंबर है इस पे चढ़े, तो फर्स्ट टाइम जब चढ़े इन्हें बहुत अच्छा लगा, तो ये इस पे ये बार बार जा रहे थे और काफ़ी ऊपर तक भी गए थे ये। हम लोग जब छोटे थे तो ऐसे कोई क्लाइंबर, ऐसा कोई बाउंसिंग कासल नहीं था, इवन के सिनेमा अलादीन भी जब नहीं था, तो हम लोग क्लिफ्टन वाले फनलैंड जाते थे और वहाँ की रोलर कोस्टर वगैरह होती थी, स्विंग्स होते थे, राइड्स होती थी, वो इन्जॉय करते थे। फर्स्ट टाइम जो है बाउंसिंग कासल जो है कराची में अलादीन में था, जो कि बहुत बड़ा था, और हम अपने बचपन में जब वहाँ जाया करते थे बहुत इन्जॉय करते थे। और अब तो कराची में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, इंडोर थीम गेम जोन है, तो ये जो है सुपर स्पेस पहले ही वहाँ था, पवेलियन एंड क्लब में था, और इसका एक डोर जो है वो अलादीन पे भी खुलता था, लेकिन वहाँ से तो चूँकि आपको पता है ख़त्म ही हो गया। तो अब ये जो है ओशन मॉल क्लिफ्टन पे, और एक मिलानियम में भी नया खुला है ये। आप यहाँ पे आके 500 या 600 का रिस्टबैंड भी ले सकते हैं, और अनलिमिटेड राइड्स जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो है आप अगर रिस्टबैंड नहीं लेना चाह रहे तो सेपरेटली आप कार्ड चार्ज करवा लें, उसकी मदद से भी आप जो है वो काफ़ी राइड्स इंजॉय कर सकते हैं सेपरेटली। इसके अलावा जो है फिर ये उसी सॉफ्ट बाउंस एरिया में जो है एक छोटा सा ट्रैम्पोलिन था, और ये जो आपको पिंक एंड पर्पल नज़र आ रहा है ना, ये टॉडलर्स के लिए था, बहुत छोटे बच्चों के लिए क्लाइंबर था। अच्छा, मुर्सा यहाँ से अंदर जो गए हैं, इधर स्लाइड की तरफ जा रहे थे, तो वो जो गए हैं तो उसके बाद वो मुझे नज़र ही नहीं आ रहे, मतलब वो कहाँ जा रहे हैं मुझे पता ही नहीं चल रहा। उसके बाद मैंने इनको 2-3 आवाज़ें भी लगाई मुर्सा, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद बहुत देर बाद जो है वो तकरीबन 1 मिनट बाद जो है वो ये जो होल्स हैं इसमें नज़र आए, तो मैंने कहा अच्छा अंदर फिर काफ़ी चीज़ें होंगी जिससे गुजर के मुर्सा आ रहे होंगे, तो इस वजह से उनको टाइम लग रहा था। अच्छा, जब इन्होंने यहाँ पे स्लाइड ली तो स्लाइड में आके बॉल्स के समंदर में गिरे, तो कह रहे थे कि बॉल्स तो बहुत अच्छी खासी तादाद में नज़र आ रही थी, लेकिन मुर्सा बता रहे थे कि फ़ौरन ही सरफेस थी, मतलब अगर आप एहतियात से काम न लें तो बच्चों को चोट लग सकती है। खैर, मज़ा आया था इन्हें यहाँ पर बहुत। उसी के बिल्कुल बराबर में जो है एक और बाउंसिंग कासल था, ट्रैम्पोलिन टाइप का, उस पर मटेरियल लगा हुआ था। अच्छा, ये बच्चों और बड़ों दोनों के लिए था। वो जो मैंने अभी पहले आपको दिखाया था ना, वो सिर्फ अंडर 8 ईयर्स के बच्चों के लिए था, और ये जो है बड़ों के लिए भी था। तो देख लें यहाँ पे जो कोने में है, आपको फोमिक जो सॉफ्ट फोमिक क्यूब्स थे वो भी नज़र आ रहे हैं, और ये एक जो है वो अच्छा खासा बॉल्स का जो है वो समंदर था, मतलब वहाँ पे तो कम थी बॉल्स, और यहाँ पे इतनी थी कि बंदा अंदर चला जाए बिल्कुल। और हैंगर्स लगे हुए थे, उसके थ्रू बच्चों ने इंजॉय किया। उसके बराबर में बिल्कुल जो है ये गेम था,
और उसी के राइट हैंड साइड की तरफ जो है ये एक राइड थी। जितनी अब वहाँ पे ट्रेन ट्रैक्स थे उनमें सबसे ज़्यादा जो बड़ी ट्रेन ट्रैक थी वो यहीं थी। हालांकि ये भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी लेकिन अमंग ऑल ये बड़ी थी। और वहाँ पे जो है वो अनलिमिटेड जो है जिनके पास रेस्टोरेंट है वो इन्जॉय कर सकते हैं। अच्छा, ये एक वेंडिंग मशीन थी, जो वेंडिंग मशीन कम और बेवकूफ़ बनाने वाली मशीन ज़्यादा थी। यहाँ पे 10 और 20 रुपीज़ वाले जो है वो स्नैक्स पड़े हुए थे। 70 रुपीज़ का एक कॉइन था, वो उनकी मर्ज़ी होती है उसमें आपको एक टर्न दें या दो टर्न दें, तो कभी वो एक देनी थी और कभी दो। तो यहाँ से जो है जब चिप्स गिरते हैं तो ये एक और जो स्लेब है वो 3 दफ़ा जो है वो चिप्स को आगे करते हैं, और उसमें से भी जो गिरेगा तो वो आपके हिस्से में आएगा, जो मेरे बच्चों के हिस्से में तो नहीं आया। फिर खैर, ये एक और हैमर वाला गेम था, बहुत पॉपुलर गेम है ये, तो हर इंडोर गेमिंग जोन में ये ज़रूर होता है। और इसका भी अलग से आप कार्ड चार्ज करा सकते हैं, रिस्ट बैंड में नहीं खेल सकते। ये सारे जितने भी जो मशीन वाले गेम्स हैं ना, ये रिस्ट बैंड में अलाउ नहीं है, इसके लिए आपको कार्ड चार्ज कराना पड़ेगा। फिर ये जंबो डम्बो था, तो ये 250 पर पर्सन या 250 का पूरा ही पैकेज था दोनों के लिए। तो ये हमने खेला, अच्छा था, मज़ा आया था, लेकिन इसका टाइमिंग काफ़ी कम था, शायद 2 मिनट ही उन्होंने हमें खेलने दिया होगा, अलाउ किया होगा। फिर उसके बाद जो है ये एक बहुत ही छोटी सी ट्रेन ट्रैक थी, ये बहुत ही छोटे बच्चों के लिए, जैसे 1.5 साल 2 साल 3 साल तक के। फिर उसके बराबर में ये एक एरोप्लेन था, और ये भी छोटे बच्चों के लिए था, बड़े बच्चे इस पर अलाउ नहीं थे। ये एक कार थी, इसके अंदर जो है एनिमल लगे हुए थे। और उसके बाद यहाँ पे ये इनकी एंट्रेंस दोबारा आ गई। और फिर ये एक पायरेट शिप थी, पायरेट शिप जो है ये भी छोटे बच्चों के लिए थी, इसका भी कार्ड चार्ज कराना पड़ता है। पहले ज़माने में ऐसा होता था ना कि कार्ड नहीं चार्ज कराते थे, टोकन थे। अब ये है कि ये आप इनको पैसे दें या आपको स्लिप देंगे, आप स्लिप दिखा के वहाँ पे जो हेल्पर्स होते हैं, वॉलंटियर्स होते हैं, उनके पास ऑलरेडी कार्ड होते हैं, वो चार्ज कर देते हैं। इस तरह ये एक सबमरीन थी, ये भी छोटे बच्चों के लिए थी, और इसकी लाइटनिंग बहुत अच्छी की हुई थी इन्होंने। अच्छा, फिर ये उसके बराबर में ये देखें मिलानिया, वैसे काफ़ी साफ़ सुथरा मॉल है, ये देखें सफाई सुथराई यहाँ पे काफ़ी होती है। तो खैर, उसके बराबर में जो है ये एक और राइड थी, छोटे बच्चों की थी, 7 से 8 साल तक के बच्चों के लिए, और रिस्ट बैंड वाले जो है इसको भी अनलिमिटेड इन्जॉय कर सकते हैं। फिर उसके बराबर में ये एक छोटी सी कार थी, ये भी कार चार्ज करा के ही बच्चे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, लाइटनिंग देखिए, इन्होंने सुपर स्पेस के हवाले से, मतलब उसके हिसाब से जो है वो लाइटनिंग रखी थी। जैसे स्पेस में जो है कलरफुल लाइट्स होती हैं, पिंक एंड वॉयलेट, तो उस हिसाब से इन्होंने अंदर की थीम रखी है। और यहाँ पे म्यूज़िक भी चला रहता है हर वक्त, मतलब अगर आपको इरिटेशन ना हो तो आपको अच्छा लगेगा यहाँ आके। फिर ये भी एक छोटी सी राइड थी छोटे बच्चों के लिए, इधर डम्बो था, डोंकी राजा, विनी द पूह एंड ज़ेब्रा। और फिर ये भी आप अनलिमिटेड रिस्ट बैंड के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और इसके बिल्कुल बराबर में फिर एक और स्विंग थी, स्विंग तो नहीं थी, आई एम सॉरी, ये गोल गोल घूमने वाली जो एक राइड होती है, तो इस पर भी बच्चे छोटे बैठ सकते हैं। नवीन नहीं बैठ सकी क्योंकि वो 10 साल की है। तो इसके बराबर में अच्छा मुख्तलिफ रूम्स थे गेम के। और ये 4D मोशन राइड थी, ये मैं गई थी यहाँ पर, छोटे बच्चे तो अलाउ नहीं है, और बहुत मज़ा आया था यहाँ पर। अच्छी खासी तकरीबन 4-5 मिनट की तो राइड होगी है। और वो आपको ब्लैक ग्लासेस देते हैं, वो पहन के जो है वो आपने बैठना होता है, क्योंकि लेज़र लाइट्स होती हैं यहाँ पे, आंखों में चुभती हैं। खैर, मज़ा आया था यहाँ पे। और इसी के बिल्कुल बराबर में जो है वो एक लेज़र मेज़ रूम था, मुख्तलिफ रूम से देखे आप, ये लेज़र मेज़ रूम है। और यहाँ पर जो है मुर्सा गए थे, और बिल्कुल अगर आप देखें तो आपको ख़ुद को भी जो है वो जेम्स बॉन्ड 007 वाली फीलिंग्स आएंगी कि उस तरफ जाके आपने जो है वो ज्वेलरी चुरानी है। खैर, बच्चों को मज़ा आया था यहाँ पे और इन्जॉय किया था उन्होंने। फिर उसके बराबर में हॉन्टेड हाउस था, ये भी बड़े लोगों के लिए है, 8 साल के 10 साल के बच्चे यहाँ पे अलाउ नहीं है। 250 रुपीज़ जो है उसका वो चार्ज कर रहे थे पर पर्सन, और रिस्ट बैंड वाले फ्री थे, लेकिन 10 साल से ऊपर। ये क्या रोक रही रूम है, और यहाँ पे जो है इन्होंने सॉन्ग्स वगैरह है, नात पढ़ सकते हैं या जो भी आप जो है वो गाना चाहें। और उसके बराबर में स्मैश रूम था, यहाँ पे जो है वो स्मैशिंग एक डंडा आपको दे देते थे, आप जो तोड़ फोड़ करनी है करें, लेकिन मेरे बच्चों को तोड़ फोड़ बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम यहाँ नहीं जाएंगे। वैसे स्मैश रूम के लिए चार्ज करेंगे। और इसके अलावा जो है जो बराबर में सिंगिंग रूम था, उसके लिए रिस्ट बैंड वाले जो है वो अलाउ है, वो इन्जॉय कर सकते हैं। यहाँ पे एक स्पेस था, यहाँ पे हैप्पी बर्थडे लिखा होता, तो आप हम समझ गए थे कि यहाँ पे
आप अपने बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से जाने के बाद प्लीज़ अपने बच्चों के हाथ पांव अच्छे से धुलवा के और कपड़े बदलवा दीजिएगा, क्योंकि हाइजीन का काफ़ी प्रॉब्लम मुझे लगा। तरह तरह के लोग आते हैं और ख़ास तौर पर ट्रैम्पोलिन और बाउंसिंग कासल में जो है वो जर्म्स वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो नीचे से आइसक्रीम ज़रूर ट्राई कीजिएगा, 200 की कोन बहुत मज़े की होती है। मैंने अपने तौर पे पूरी कवरेज की है सुपर स्पेस की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। टिल नेक्स्ट वीडियो, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।